हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन हाउ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पहले तो सुन लेते हैं किस बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी मदरबोर्ड है या जो भी प्रोसेसर है, प्रोसेसर और जो भी रैम है, नॉर्मली हमको इन सब की कैपेसिटी पता रहती है। कैपेसिटी मतलब जैसे कि रैम है, रैम कितने की, 2 GB की है, और नॉर्मली DDR3 है, ये सब इतना ही पता रहता है, या DDR2 है, पर उस वो कौन से फ्रिक्वेंसी पे क्लॉक्ड है, ये सब कुछ पता नहीं रहता, और उसका मैन्युफैक्चरर भी पता नहीं रहता। क्योंकि नॉर्मली कोई नॉर्मल इंसान लैपटॉप खोलने नहीं जाता। अगर कोई टेक्नीशियन है, मतलब कोई थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, तो वो लैपटॉप खोल देता है, पर नॉर्मल कोई बंदा लैपटॉप खोलने नहीं जाता। तो दोस्तों, चलिए आज ऐसे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने मैन्युफैक्चरर, अपने रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर के बारे में डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप ये नॉलेज अगर आपको अगर समझो आपका आपका लैपटॉप HP का है, और आप उधर से HP के साइट पे जाकर अगर चेक करोगे कि रैम कौन सी है या ये कैसा कैसे चेक करना है, तो वो साइट पे आपको पता मिलेगा कि आपको बताएंगे कि बायोस के सेटिंग में जाने के लिए। बायोस के सेटिंग में जाना मुश्किल नहीं है दोस्तों, बट बायोस के सेटिंग में अगर कुछ गलती से चेंज हो गया तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपका कंप्यूटर मिसफंक्शन कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है। तो बेटर है दोस्तों, आप ये एक एप्लीकेशन है जो कि है CPU Z दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे आप गूगल क्रोम में CPU Z करो सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट लिंक आ जाएगी जो कि है CPUID.com। ये उनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप जाके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए और आपके वर्जन से, मतलब आपके कौन से आर्किटेक्चर के बेस्ड के कंप्यूटर है, उसके हिसाब से आप अपने लिए सेटअप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे दोनों के लिए एक वर्जन मिल रहा है, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ ये CPU Z ऐसे मिल जाएगा, और ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड में भी है, जैसे कि आप एंड्रॉयड में भी सर्च कर सकते हो कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और वो प्रोसेसर कितने तक स्ट्रेस हो सकता है, मतलब उसका वर्किंग कितना हम लोग स्ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद देखिए, आपको डायरेक्टली पता चल जाता है ये CPU इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर है, जिसका मॉडल नंबर भी दिया है, सैंडी ब्रिज कोड नेम है उसका, और इसका 35 वॉट मैक्सिमम कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी आउटपुट दे रहा है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो 32 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वैसे बहुत सारा देख सकते हो। 2.2 GHz का प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे भी यार 2.2 GHz दिया है, पर मैक्सिमम 2.2 देगा नहीं, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। और अगर रैम के बारे में देखना है तो रैम आप मेमोरी में देख सकते हो, यहाँ पे DDR3 2 GB 2 GB का रैम है, और ये 665 MHz दे रहा है, जबकि मेरी रैम है, यहाँ पे आप SPD में जाओगे तो आपको डिटेल में सब रैम के मैन्युफैक्चरर सब पता चल जाएगा। DDR3 2 GB की रैम है और 800 MHz पे क्लॉक्ड है, और इसका मैन्युफैक्चरर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, और अगर आपको मेन बोर्ड मत या फिर मदरबोर्ड के बारे में जानना है, तो ये मदरबोर्ड HP का है, 185 मॉडल नंबर है, जो कि चिपसेट इंटेल का यूज़ किया है, मतलब इसमें प्रोसेसर है वो इंटेल का यूज़ किया है। आप यहाँ से ग्राफिक कार्ड के बारे में भी जान सकते हो, ग्राफिक कार्ड के लिए आपको ये ग्राफिक्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इंटेल का HD ग्राफिक्स 3000 यूज़ हुआ है, और बोर्ड मतलब मदरबोर्ड है HP हेवलेट पैकर्ड का मदरबोर्ड है, वही सेम है। तो यहाँ पे आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन विदाउट किधर बायोज में या डिटेल में किसी सेटिंग में घुस के आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है और ये ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है, ये कोई आपकी डेटा स्टील नहीं करती, छोटी सी एप्लीकेशन है। आप इसे एंड्रॉयड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी ये बताती है स्नैपड्रैगन मीडिया टेक है, ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर है, आपके प्रोसेसर हर एक प्रोसेसर कितना वर्क कर रहा है वो भी बताती है यहाँ पे। और एक चीज़ भी देख सकते हो दोस्तों, अगर मेमोरी में जाओगे तो SPD में जाओगे, मतलब जो कि रैम को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दो स्लॉट है मेरे मदरबोर्ड पे, तो सेकंड स्लॉट इज़ एम्प्टी, तो इसके लिए वहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है दोस्तों, और फर्स्ट में ये सब सैमसंग का मैन्युफैक्चर वो सब बता रहा है। और आप बेंच मार्क, मतलब आपका प्रोसेसर कितना स्ट्रेस होता है ये कर सकते हो। मैं फिलहाल तो स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है दोस्तों, तो उससे मेरा प्रोसेसर बहुत ही पुराना हो, i3 प्रोसेसर है, 2.2 GHz ड्यूल कोर है, तो इससे मेरा प्रोसेसर बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे पर स्ट्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर आपका ये मेरा यहाँ तक बताता है, जो कि 567 MHz तक फ्रिक्वेंसी देता है। और आप इसको कंपेयर कर सकते हो, आप जो भी अदर प्रोसेसर है, i7 है जो कि है
यहाँ पे आप बहुत सारे देख सकते हो, 3.3 GHz पे क्लॉक टे, 3.7 GHz पे, 4 GHz के क्लॉक टे। वहाँ से आप कंपेयर करोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेसर जो दिख रहे हैं यहाँ पे वो आपके प्रोसेसर से कितने अच्छे हैं, या कंपेयर कर सकते हो कितने कम है। ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर अच्छा है ख़राब है उसके ऊपर। तो आई होप दोस्तों की वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।